मसाला किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी जानते हो भुने चने या काले चने हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं। आज का जो प्रसाद बन रहा है वो भी भुने चने से बन रहा है। अब आपको लगेगा इस बर्फी को बनाने के लिए मावा लगा होगा या मिल्क पाउडर लगा होगा या तो मिल्क मेड लगा होगा। ऐसा कुछ नहीं चाहिए, आज वही इंग्रेडिएंट्स चाहिए जो हमारे घर में होते हैं। आज लाई हूँ भुने चने की ऐसी बर्फी जो कि आपको बेहद पसंद आएगी। आप इसे गुरु पूजा के लिए भी प्रसाद के तौर पर बना सकते हो। आप इसका पेड़ा बनाओ, लड्डू बनाओ या बर्फी बनाओ, स्वाद में कोई फर्क नहीं आएगा। सबसे पहले यहाँ मैंने लिए हैं भुने चने। भुने चने जो छिलके वाले होते हैं, जो अक्सर हम पूजा में यूज करते हैं। एक बड़ा सा कटोरा मैंने भर के ले लिया है। ग्राम में देखेंगे तो करीब करीब ये 350 ग्राम के आसपास भुने चने हैं। सबसे पहले इसका छिलका हटा देते हैं। छिलका हटा के अलग कर देते हैं। इस तरीके से छिलका हटाएंगे तो आपका घर खराब नहीं होगा। अभी मैंने काफी हद तक हटाए हैं, इसी तरीके से हमें और भी इसे क्रश करना होगा जिससे पूरा का पूरा छिलका हमारा हट जाए। ये बहुत हेल्दी होते हैं भुने चने। और अब हम इस भुने चने की बर्फी बनाने चलेंगे। यहाँ मैंने रखी है गैस पर एक बड़ी सी कढ़ाई जिसमें 1 टेबल स्पून डाला है घी। इसमें हमें डालना है भुने चने को और धीरे धीरे स्लो गैस पर इनको भूनना है। वैसे तो ये ऑलरेडी भुने हैं, पर फिर भी आप इसे और भूनेंगे तो इसका स्वाद बहुत ही ज्यादा अमेजिंग आएगा। इसके बदले आप फुटना जो होते हैं वो भी ले सकते हो, वो भी आप यूज कर सकते हो। ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिट देते हैं। चने खाने से हमारा पेट भरा रहता है लंबे टाइम तक, ओवर ईटिंग से बचते हैं, वजन कंट्रोल में रहता है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, सर्दी जुकाम जैसी बीमारियों से लड़ने में इसे खाने से मदद मिलती है। ये नहीं कहूंगी कि आप मिठाई बनाकर ही खाइए, पर इसका सेवन अगर रोज एक मुट्ठी भर हम करते हैं तो उससे हमारा पाचन बहुत ही बेहतर होता है। ठंड में गुड़ डालकर इसे जरूर खाना चाहिए। आयरन की कमी को दूर करता है। और हाँ, अगर आपको कमजोरी महसूस हो रही है या किसी भी वजह से आप थोड़ा हेल्दी खाना चाह रहे हैं तो आज की ये रेसिपी जरूर बनाइए। प्रोटीन बहुत ज़्यादा होती है इसमें। अगर आप जिम वगैरह भी जाते हो तो कम से कम आपको एक छोटी कटोरी ये भुने चने जरूर खाने चाहिए, जिससे क्या होता है प्रोटीन अधिक मात्रा में मिलता है, फाइबर बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है। अब इसमें मैं एक बढ़िया सी चीज़ जो डाल रही हूँ वो है दूध। भुने चने में आप दूध डालकर जो बनाएंगे तो जो इसका स्वाद आएगा बहुत ही अमेजिंग आएगा। यहाँ मैंने जो दूध यूज़ किया है करीब करीब टोटल इस बर्फी में 1 लीटर दूध यूज़ किया है, जिसे मैंने उबाल उबाल कर आधा कर दिया। आपने देखा एक बड़ा सा कटोरा मैंने इसके अंदर डाल दिया और इसमें स्लो गैस पर पक रहा है। बाकी का दूध थोड़ा बचा हुआ है जो हमें बाद में यूज़ होगा। दूध डालने से इसकी टेस्ट बहुत ही अमेजिंग होगी। अब हमने इसे अच्छे से पका लिया है, थोड़ा सा दूध बच गया है और फिर हम इसे ठंडा कर लेते हैं। इसका स्वाद इसलिए बहुत ज़्यादा आएगा क्योंकि हमने पहले इसे घी में भूना, उसके बाद हमने दूध डाला है ना, तो उससे इसका स्वाद बहुत ज़्यादा आएगा। मतलब आपको मावे की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ पर मैं इसको पीसने जा रही हूँ तो पीसते टाइम क्या होगा ना, मुझे इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालने की ज़रूरत पड़ेगी। अभी मैंने डाला है, मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने थोड़ा दूध बचा के भी रखा है। बाकी के जो चने बचे हैं उसे भी मैं मिक्सी के जार में डाल देती हूँ। अब दूध डालने से क्या होता है, परफेक्ट तरीके से ये पीस जाता है। ये देखिए सारे भुने चने को हमने अच्छे से पीस लिया। बहुत ही कम मेहनत में ये मिठाई बनकर तैयार हो जाती है। ना तो चाशनी बनाने का झंझट, ना मावे का झंझट, बहुत ही अच्छी लगेगी ये बर्फी। अब उसी कढ़ाई में सारा मिश्रण मैंने डाल दिया। अब यहाँ पर जो मैं मीठा करने के लिए यूज़ कर रही हूँ वो है मिश्री। मिश्री जो धागे वाली मिश्री होती है वो हमें यूज़ करनी है। जैसे करीब करीब हमारे पास 350 ग्राम भुने चने थे, 250 ग्राम के आसपास मिश्री का पाउडर ले रही हूँ। अभी मैंने इसके अंदर मिला लिया, अब हम इसे भूनना शुरू करेंगे। ये दानेदार सी बर्फी ऐसा लगेगा कि खूब सारे मावे को भून भून के आपने इसे बनाया है। बहुत ही कम मेहनत में ये बढ़िया बनकर तैयार हो जाएगी। ये देखिए काफी थिक हो चुकी है। अब यहाँ पर हम 2 चम्मच के आसपास घी और डालेंगे। घी इसलिए भी डालना जरूरी है क्योंकि थोड़ा सा चिपक रही है इसके साइड, जब तक पूरे छूट न जाए तब तक आप इसे भूनते रहिए। अब लास्ट में मैंने डाल दिया इसमें 1 छोटा चम्मच भर के इलायची पाउडर।
बस देखा ना आपने कितने मिनटों में यह बर्फी बनकर तैयार हुई है। कोई पहले से आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है इस बर्फी को बनाने के लिए हमारे पास क्या घर में है क्या नहीं है घर में, ऐसा कुछ भी नहीं। बस इसको बनाकर तैयार कर लीजिए। 1 लीटर दूध जरूर डालिए, उसमें कंजूसी बिल्कुल मत कीजिए क्योंकि ये बिल्कुल मावे की बर्फी रहेगी। और एक खास बात इसमें ये है कि ये बर्फी फ्रिज में भी रखोगे तो ये कड़क नहीं होगी। उसका कारण सिर्फ ये है कि इसमें हमने घी बहुत कम मात्रा में यूज़ किया है, मावा नहीं यूज़ किया है, तो ये भारी नहीं लगती, ये खाने में बहुत हल्की लगती है। एक कोई भी ट्रे ले लीजिए या थाली ले लीजिए, उसमें इस मिठाई को सेट कर लीजिए। मुझे बहुत पतली नहीं चाहिए, थोड़ी सी मोटी सी चाहिए बर्फी, तो मैंने इसमें थोड़ी सी जगह बचा के इसे इतना ही सेट कर दिया है। लास्ट में भी ऊपर से मैंने थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल दिया है और मैंने ड्राई फ्रूट की कतरन डाल दी। वैसे तो भुने चने जल्दी सेट हो जाते हैं, पर फिर भी जब तक सेट न हो ना अच्छे से, तब तक आप काटने की जल्दबाजी ना करें। इसे 15 से 20 दिन तक आप आराम से स्टोर कर सकते हैं, चाहे फ्रिज में रखें या बाहर भी। अब इसे रख दीजिए 3 से 4 घंटे के लिए, जब तक ये अच्छे से सेट न हो जाए। अब 4 घंटे बाद मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ ये किस तरीके से बढ़िया सी कट रही है। आप मनपसंद शेप में इसे काट डालिए। आपने कई टाइप की मिठाइयाँ बनाई होंगी, महंगी महंगी, ये सस्ती सी मिठाई सब पर भारी पड़ने वाली है। ये देखिए कितना अच्छा शेप आया है ना, और जो इसका दरदरापन है उससे आप कई बार मतलब इतना अच्छा लग रहा है जैसे भुना खोया है। बहुत ही अच्छी लग रही है बर्फी। देखिए इसे निकालते जाइए और बहुत बढ़िया इसे सेट कर दीजिए। आप चाहें तो इस पर वर्क वगैरह भी लगा सकते हैं, वैसे मैंने आज इसमें वर्क नहीं लगाई है, मैंने गुरु पूजा के लिए बनाई है। आप इसे कब बना रहे हो, किसके लिए बना रहे हो, मुझे जरूर बताइए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर।